रात्रि क्लास चल रहा था 12 अप्रैल 1968 और पहले पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी। याद करने के लिए वो अक्षर लेना पड़ता है मनमना भव। बाबा मनमना भव शब्द को क्या कह दिया? अक्षर कह दिया। अक्षरों का मेल तो है ही। तो अर्थ क्या हुआ वो तो बताया, मुझे एक को याद करो। उसका अर्थ ये भी नहीं बताया कि भाई एक बिंदु को याद करो। बिंदु बिंदु तो सभी आत्मा है, प्राणी मात्र बिंदु, कौन से बिंदु को याद करें? तो पार्टिकुलरिटी चाहिए ना। तो बताया वो निराकार ज्योति बिंदु शिव, जैसे आत्मा निराकार होती है, किसी शरीर के द्वारा व्यक्त होती है, शरीर का नाम पड़ता है, ऐसे ही शिव जैसे मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उस रथ का नाम चाहिए, रूप चाहिए, धाम चाहिए, पूरा आईडी प्रूफ चाहिए। से पहचान करके याद करेंगे तुम्हारा ये जो जन्म जन्मांतर का पाप है तो ये सब भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन करके विश्व के मालिक बन जाएंगे। जैसे यहां इस दुनिया में राज्य करते थे नारकीय दुनिया में, राजाओं ने राज्य किया ना, अभी नहीं करते हैं, अभी फिर भविष्य में राज्य करेंगे। तुम्हें ये जो राज्य करते थे वो विश्व का मालिकाना भूल गए हो, इसीलिए बाप अभी कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। गीता में भी तो ऐसे ही लिखा है कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। जो भी मुख्य मुख्य पार्टधारी हैं उनके पार्ट को मैं जानता हूं, और तुम बच्चों को बताता हूं, बताता हूं। तो तुम बच्चों को सुनाया ना, अभी वापस चलने गए, और तुम तो जानते हो कि हम पतित हैं। वो पावन बने तो पावन धाम में जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तो बच्चों को शांति चाहिए ना, शांति धाम चाहिए, जहां शांति शांति होती है, सुख का नाम निशान नहीं। सुख होता है? आत्मलोक में सुख नहीं होता, आत्मलोक में शांत आत्माएं रहती है। जैसे रात में सो जाते हैं ना गहरी नींद, तो आत्मा शांत हो जाती है ना, ऐसे पावन दुनिया में जाने के लिए पावन आत्मा चाहिए। शरीर तो पावन बन न सके,
ये तो फालतू ही गंगा वगैरह नदियों में स्नान करने जाते रहते हैं, समझते हैं नदियां पतित पावनी। अरे ते तो विनाशी है, कितना भी स्नान कराओ है वो अविनाशी बनेगी है? और आत्मा तो सदा काल अविनाशी है। हाँ, इस पतित शरीर के संग के रंग में आते आते है ये पतित बनती है, परंतु पहले स्वर्ग में तो पावन शरीर होते हैं ना, भले पावन होते हैं परंतु सुख भोगते भोगते इंद्रियों की शक्ति छीण होती है या नहीं, कलाएं कम होती हैं कि नहीं? कम होती है। तो बताया कि आत्मा जो पतित बनी है वो से पावन बनाने के लिए माम एकम याद करो, पावन बन जाएंगे। एक को याद क्यों करो है? सिर्फ बिंदु को याद करें तो नहीं चलेगा है? क्यों? कारण बताओ है? अरे बिंदु कैसे सुख दुख के खेल में आवेगी? फुदुक फुदुक के सुख दुख का खेल खेलेगी क्या? नहीं। और वो तो अदृश्य है, आत्मा इन आंखों से दिखाई देती। वो खेल खेल किसी को समझ में आएगा? हाँ, समझ में भी नहीं आएगा। तो आत्मा पावन बनेगी तो पावन शरीर मिलेगा, और पावन शरीर तभी ही मिल सकता है जब ऐसा शरीर का भी बीज सृष्टि पर मौजूद हो। क्या? आत्मा भी और क्या, और ये शरीर भी हो, क्योंकि सब शरीरों का बीज तो चाहिए ना, हर चीज का बीज खत्म होता है ना, बीज तो अविनाशी होता है, बीज बाप होता है ना, तो बाप तो अविनाशी होना चाहिए कि विनाशी? विनाशी तो हो ही नहीं सके, चाहे साकार देह का बाप हो चाहे आत्मा का बाप हो। तो दोनों आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के जब काम करते हैं तभी तो खेल चलता है। तो बताया उस एक शरीरधारी को पहचानना पड़े जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी गायब गायब नहीं होता, भले स्थूल शरीर न रहे तो सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना, नहीं रहेगा? किस तरह सूक्ष्म रहेगा? मन बुद्धि से सूक्ष्म रहेगा कि जो स्थूल इंद्रियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी है? खत्म हो जाएंगी। हाँ, एक बीज रूप बाप की जो इंद्रियां हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगी, रहेंगी, परंतु उनकी स्मृति नहीं रहेगी। स्मृति न रहने का हाँ पहचान क्या होगी है? पहचान होगी कि वो अति इंद्रिय सुख भोगेगा, इंद्रियों का सुख की दरकार ही नहीं, तो सुख भोगने से नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। अच्छा, इंद्रियों को याद ही नहीं करता, देह को याद नहीं करता, पतनशील जो देह है, देह विनाशी है, उसको याद ही नहीं करता है? अविनाशी बाप को याद करता है, तो सुख भोगते भोगते अतीन्द्रिय सुख भोगते भोगते नीचे गिरेगा? अभी कहते नीचे नहीं गिरेगा, अभी कहते थे गिरेगा। हाँ, इंद्रियों का सुख भोगने से आत्मा पतित बनती है, आत्मा नीचे गिरती है। भले देवताओं को पतित कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि
देवताएं इतनी धीमी गति से नीचे गिरती हैं कलाएं कि आधा कल्प में वो 1250 वर्ष सतयुग में सिर्फ 2 कलाएं कम होती, और वो भी एक जन्म में नहीं, कितने जन्म में, 8 जन्मों में, 8 पीढ़ियों में ये 2 कलाएं कम होती। तो जिनकी कलाएं कम हो जाए उन्हें संपूर्ण देवता कहेंगे, उनको तो संपूर्ण देवता ही नहीं कहेंगे। तो जो संपूर्ण देवता कहे जाते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो बता दिया कि 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण होता है उसी को टाइटल मिलता है अपने बाप का, आदि नारायण का टाइटल मिलेगा ना, तो वो नारायण कहा जाता है, नारायण और लक्ष्मी सहयोगिनी शक्ति का नाम पड़ता है। बचपन में राधा कृष्ण तो उनको पावन ही कहेंगे ना, पूरा पावन कहेंगे कि अधूरा पावन कहेंगे, हैं? पूरा पावन कहेंगे, और उनको 84 जन्म भी होंगे, 84 का चक्र भी तुम बच्चों को सुनाया और बताया कि इन जैसा दैवी गुण धारण करो, किन जैसा, 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं, जो ये कलातीत सुख भोगने वाले हैं ऐसा सुख और किसी जन्म में नहीं मिल सकता। इंद्रियों का सुख है या अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे, उस अतीन्द्रिय सुख में है न शरीर नीचे गिरेगा, कंचन काया बन जाएगी शरीर भी, कैसा दिन प्रतिदिन है उसमें निरोगी काया बनती जाएगी के बेस्ट शरीर बन जाएगा है, नहीं पतन का नाम निशान नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे उस विष्णु लोक में विष्णु की समान रहेंगे ना, जैसे विष्णु क्षीर सागर में है तो तुम भी कहां अनुभव करेंगे, क्षीर सागर में अनुभव करेंगे कि खारी सागर में, दुख के सागर में, नहीं। तो बताया इन जैसे दैवी गुण धारण करो, तो अब फिर से विश्व का मालिक बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, बन जाएंगे कि बन जाएगा, हा? क्या होगा, दो बन जाएंगे बस, यथा राजा तथा प्रजा नहीं बन जाएगी, वो कहेगी हमारे बाप का अम्मा का मालिक वो विश्व है, विश्व के मालिक हैं, हम विश्व के मालिक नहीं, ऐसे अरे तो दो ही बन जाएंगे या सब समझेंगे हम विश्व के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि सबका मत एक होगा कि अलग अलग होगा, एक मत होगा है? एक कहेगा कि हम विश्व के मालिक, तो सब कहेंगे हाँ हम भी विश्व के, हम भी विश्व के मालिक। तो एक ही बात हुई, क्योंकि एक ही विश्व और एक ही राज्य, एक ही राजा है, और प्रजा का मत भी एक ही की अलग अलग, और कुल भी एक ही कुल। तो देखो ऐसे विश्व का तुम मालिक बनते हो, तो ये बच्चे जानते हैं कि जो बाप हमको देते हैं सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर सदा शिव ज्योति है, देते हैं कि नहीं, ज्योति देती है,
वो ज्योतिर्मय शरीर देते हैं, आत्मा मिलती है एक को और उसमें सब आत्माएं तिरोहित हो जाती है। मनमना भाव बनेंगे तो जो बाप की स्टेज वो सभी की स्टेज बनेगी कि जो प्रजावर्ग होंगे विष्णु लोक में उनकी नहीं बनेगी? कैसी स्टेज? देह याद रहेगी? देह याद ही नहीं रहेगी। विश्व का मालिक, क्योंकि विश्व का मालिक तो एक ही होगा या तुम सब होंगे? अरे तुम सब स्वभाव संस्कार से एक ही बन जाते हो तो उस विश्व का मालिक बनते हो। तो बताया ये गायन है कि जो शिव बाबा का भंडारा है भंडारी भरपूर करते हैं। कौन सी भंडारी है? ये जो बुद्धि रूपी भंडारी है तुम्हारी वो भरपूर हो जाएगी। भरपूर होने का ही है तो तुम बच्चों को बहुत खुशी में आना चाहिए है? कैसी भरपूर हो जाएगी है कि जिसका जिसका जो भी दायरा है हर आत्मा का जन्म जन्मांतर का जिन जिन आत्माओं के संपर्क संसर्ग में आना है तो उस दायरे में वो कंट्रोलर बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो बच्चों को ये जो बाप सुनाते हैं वो ही सुनना चाहिए और सब बातें फालतू बातें भूल जानी चाहिए है? अरे सुननी ही नहीं चाहिए फालतू बातें, नहीं तो ये सारा दिन जरम हुई जगम हुई उसने ऐसे कहा उसको ये जवाब दिया ये सब भूल जाना है। ऐसे हुआ वैसे हुआ वो बातें बाबा कहते हैं ये मत सुनो है? मैं जो बातें तुमको सुनाता हूं वो ही सुनो, वो ही बातें कान में गूंजती रहे वो ही सुनो, बाकी तो तुम अपने कान बंद कर दो। अच्छा मुसलमान बन जाए? जैसे मुसलमान कान में उंगली दे करके कहते हैं अल्लाह मियाँ को याद करो, अल्लाह मियाँ ने क्या कहा सो याद करो, अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया वो कहो। अरे ये कान बंद करने की बात बाबा कैसे बताते हैं? कैसे बंद कर दो? मिसाल बताया ना क्या? अरे महबूबा महबूब का मिसाल बताया है? वो कान बंद करता है क्या कि बंद हो जाते हैं? कैसे है? एक की याद में रहता है महबूब, महबूबा की याद में रास्ता जाता है तो उसे कोई आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, किसी की आवाज सुनाई पड़ती किसी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती। तो देखो और किसी से बात करता आया किसी दूसरे से, किसी से बात नहीं, एक से ही बात करना एक को ही देखना एक ही बात सुनना। तो बाबा और कोई भी दूसरी मत नहीं देते हैं। हाँ ये कहते जरूर हैं बच्चों को अबलाओं को है ये दुशासन ने है ये जो चुराया है तुम्हारा मन बुद्धि का जो खजाना चुराया है ये विकार के लिए तंग करेंगे। तो ये तो आगे सुना था तुमने, अभी भी सुन रहे हो देख रहे हो, बरोबर तंग करते हैं। ओम मंडली सिंध हैदराबाद में भी तंग करते थे ना, फिर ये आसुरी संप्रदाय का नाम ही ऐसे रखते हैं।
असुर दैत्य उनमें फिर फीमेल भी आ जाती है, सुपनखाएं पूतनाएं भी आ जाती है और मेल भी आ जाते हैं। दुर्योधन दुशासन दुश्छल, तो देखो ये जो आसुर हैं, ये जो दैत्य हैं, वो बहुत तंग करते हैं फीमेल को, तो बहुत तंग करते हैं। ये मेल को फीमेल कम तंग करती है, तो अभी क्या करो, अभी कोई न कोई युक्तियों से विकार से बचो, और इतना बचो जो जबरदस्ती अगर कोई करे, बिल्कुल ही जबरदस्ती करे है, तो फिर उनका दोष लग जाए, तुम्हारा कोई दोष न रहे, तुम्हारा दोष हो ही नहीं सकता। क्या मन कब नहीं दोष हो सकता, तुम जब बाहुबल चलाएंगे तो दोष होगा, अरे बाहुबल भी नहीं चलाना और विकारों से भी बचे रहना, तो कैसे है। मन बुद्धि से एक बाप को याद करेंगे, दूसरा कोई याद नहीं आएगा, ऐसी प्रैक्टिस पक्की पड़ जाएगी, तो फिर तुम्हारी मन बुद्धि में वो इंद्रियों का सुख याद आएगा, याद ही नहीं आएगा, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी कर्म इंद्रियां तो लाचारी हालत में पड़ जाती है ना, बाकी उन कर्म इंद्रियों को भूल जाओ, जिन कर्म इंद्रियों से जिन इंद्रियों से सुख मिलता है उनको क्या करो, भूल जाओ, एक बाप को याद करो, उसको कर्म इंद्रियां है या नहीं है, उसको कर्म इंद्रियां ही नहीं है, अरे प्रवेश करता है तो कर्मेंद्रिय वाले में प्रवेश करता है कि बिना कर्मेंद्रिय वाले में प्रवेश करता है, कर्मेंद्रिया है तभी तो बात करेगा, तुम्हारी बात कान से सुनेगा, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देगा, नहीं देगा, देगा। टीचर है तो टीचर को प्रश्न का जवाब भी देना पड़ता है। तो बाबा ने बताया कि अपन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात अपने विकार भोगने की कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना काम को जीतना है, ऐसे भी नहीं कहते कि क्रोध को जीतना है, या मानो कन्या माताओं से ऐसे नहीं कहते कि क्रोध को जीतना है, अरे कन्या माताओं को महाकाली का पाठ नहीं बजाना। कोई कन्या माता जो आत्मा कोई ऐसी है जो कन्या माता का चोला धारण करे और काली का पाठ न बजाए, अरे काली क्रोधी होती है या नहीं होती है, नहीं होती, क्रोध के वाइब्रेशन छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, क्रोध के वाइब्रेशन छोड़ेगी तो वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कहा कि क्रोध को जीतना है, किसको जीतना है, कन्या माताओं को है, काम को जीतना है। ओम शांति।